हेलो गाइस, तो आप सबका वेलकम है हमारे पैराडाइज पे। और हम लोग आगे की बातें करते हैं, उससे पहले ये देखो, हम लोग आयरन फार्म जो कि मतलब मस्त काम कर रहे हैं, एकदम एक नंबर। और तुम लोगों ने वीडियो नहीं देखा, पिछले वीडियो में जाओ, जिसका लिंक कहीं पे दे दूंगा या पे वहाँ पे आखिरी में कहीं पे दे दूंगा, तो वहाँ पे जाओ और ये वाला वीडियो देख के आओ। और हाँ, उससे पहले ये वाला वीडियो ही देख लो, आखिर में दे दूंगा तो उसमें से चले जाना। सत्यानाश हो ऐसे लोगों का, तो फालतू में धक्का वक्का दे देते यार। तो स्पेक को छोड़ूंगा नहीं मैं, तेरे को मौका मिलने दे बस। और जब वो सब बातों को हम लोग बाद में सोचते हैं, और आज के वीडियो पे जरा आगे बढ़ते हैं। वीडियो पे क्या, वरना पहले विलेज तक तो पहुँच लूँ। हाँ, विलेज तक पहुँच जाए फिर बातें करते विलेज ज़्यादा दूर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, हम लोग पहुँच जाएंगे अभी कभी। लेकिन तब तक मतलब देख लेते क्या करते हैं। देखो, हमारे आसपास ना समुंदर नदी कुछ नहीं है, तो मैंने सोचा अभी के लिए एक छोटा सा तालाब बना लेते हैं। एक्चुअली तालाब की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम लोगों को जो आयरन फार्म में जाना होता है थोड़ा घूम के जाना होता है, तो हमने सोचा है कि तालाब के तो वहाँ पर एक छोटा सा तालाब टाइप कुछ तो बनाएंगे, जिसके ऊपर से हम लोग एक ब्रिज सा बनाएंगे, जिससे हम लोग आयरन फार्म तक पहुँचेंगे। फाइनली विलेज तक तो हम लोग पहुँच चुके हैं, एंड विलेज से ऊपर आते हैं तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये रास्ता यार एकदम घटिया है। एक भी मतलब विलेज से आने के लिए कोई प्रॉपर रास्ता है नहीं, तो इधर उधर कूदते कूदते आना पड़ा और आते आते रात हो गया। चलो पहले सो लेते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं सुबह। और हाँ, चलो तुम लोगों को सुबह सुबह एक लोग से मतलब एक एक हमारे क्या बोलो हमारे स्पेशल एक मिलाते एक मिनट। और ये है हमारी बिल्ली, जो कि एक्चुअली हम लोग जो आयरन फार्म बना रहे थे मतलब नीचे वाला कलेक्शन एरिया, तो यहाँ से वो एस्केप कर गया कैसे कैसे करके मुझे नहीं पता। मतलब तो हम लोगों ने सोचा इसे हम लोग थोड़ा बहुत मछली वछली खिलाते हैं, और जो हम लोग फिशिंग करते उससे हमें काफ़ी सारे मछली मिले हुए थे, तो उससे मतलब काफ़ी सारे मतलब क्या 5 मछली मिले हुए थे, तो इसमें ये बिल्ली हमारे साथ रहने को राज़ी हो गई, तो हमने इसको अपने साथ रख लिया। और बाकी तो उधर आयरन फार्म बन गया, तो उसके बाद से हमें वापस के बिल्ली दिखी नहीं उधर, पता नहीं कहाँ चले जाते। आते ज़रूर है यार, कोई बात नहीं इसका नाम अभी तक हम लोगों ने नहीं रखा, कि इसका दो कारण है। एक कारण है मुझे समझ नहीं आता, दूसरा कारण है मेरे भाई को भी समझ नहीं आता, और तीसरा कारण है मतलब हाँ तीसरा कारण है हमारा नेम टैग नहीं है, तो देखते उसका भी कुछ। लेकिन तुम लोग एक नाम दे दो यार इसको, मतलब हम लोगों को तो समझ नहीं आया, तुम लोग कुछ दे दो, बिल्ली को भी अच्छी लगे। और ये देखो हमारा आयरन फार्म कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। अब ये भी एक गोलेम जस्ट मर ही रहा था कि दूसरा गोलेम पहुँच भी गया, तो मतलब आयरन फार्म काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, इसलिए इसमें तो कोई देखो दुविधा है नहीं। और इस टाइम इस शॉर्ट पे कहाँ से डैमेज आई ये मेरे को बिल्कुल नहीं पता, मैंने कहाँ से आ गया नहीं पता, और वॉट एवर। तो जो भी हो, ये देखो ये जो वुल से मार्क किया हुआ एरिया येलो वुल से, तो यही एरिया है मतलब जो पुल होने वाला है, तो उसके लिए मार्क एरिया है। पहले तो हमें ये एरिया खोद के निकालना होगा, फिर दूसरे साइड के एरिया को पूरा भरना होगा, वो भी एकदम ओपी से टेराफॉर्मिंग के साथ, तो तुम लोग देखते रहो। एक्चुअली मैं ये वाला टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया था, लेकिन फिर से टाइम लैप्स जो है वो करप्ट हो गया, तो टाइम लैप्स नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ ब्रिज का बहुत अच्छा सा टाइम लैप्स निकाल रखा हूँ मैंने। A few moments later. तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये जगह काफ़ी हद तक क्लियर हो गया था, अभी भी पीछे का टेरफॉर्मिंग थोड़ा बहुत बाकी था, तो वो करते हैं पहले, फिर देखते ये जगह कैसा लगता है, उसके बाद उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, तो देखते क्या लगता है उससे। एंड ये है बेसिकली हमारे जो पीछे वाला टेरफॉर्मिंग करने उसका बेस, मतलब यहाँ पे ये वाला जो टावर है इसको बेस करके हम लोग जो है यहाँ का टेरफॉर्मिंग करने वाले एकदम, मतलब जो भी करना है मतलब डिटेलिंग समझ गए होंगे तुम लोग, मतलब पता नहीं समझे कि नहीं, दिखाते हैं देखते देख के समझ जाओगे। तो ये वाला है हमारे बाहर के डेकोरेशन, जो कि मतलब जो हम लोग बोल रहे थे डिटेलिंग, थोड़ा ओवर डिटेल्ड हो गया है, बट मतलब करते करते ध्यान नहीं रहता जो भी हो, लेकिन रिसोर्स थोड़े कम थे तो मतलब अच्छा है, रिसोर्स कम थे नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। जो भी हो, अभी अंदर वाला डिटेलिंग थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि अंदर वाला इतना कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जगह कम है और ऊपर से अंदर पानी भी जाएगा, तो थोड़ा कम डिटेलिंग होगा, तो वो करते हैं और फिर मिलते तुम लोगों से एक मिनट के अंदर। तो ये वाला डिटेलिंग तो मतलब बहुत ही कम था काम, ज़्यादा कुछ नहीं था तो हो गया काम, लेकिन हाँ देखो ये सब काम करने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, और हम लोग बैक ऑफ द कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, जैसे स्टोन माइनिंग्स एंड ऑल,
और हाँ, स्टोन माइनिंग हम ज़्यादातर पहाड़ों पे करते हैं, फिर हमारा एक और जगह पे जहाँ पे थोड़ा बहुत गड्ढा सा बन गया तो दिखने में अच्छा नहीं, तो हम लोग नहीं दिखाते। जो भी हो, इसके लिए भाई प्लीज़ एक लाइक कर दो, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है बहुत जल्दी। हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं क्योंकि बाकी हमारे शेड्यूल थोड़े इधर उधर रहते हैं, और बाकी तुम लोग एंजॉय करो अपने मॉन्टाज को जो कि है वो ब्रिज बनाने वाला मॉन्टाज। बाकी मॉन्टाज ज़्यादातर करप्ट हो चुके हैं, देखते बाकी कुछ इसका सुझाव निकालते हैं हम लोग कुछ। फाइनली काफ़ी मुसीबत के बाद ये वाला ब्रिज बन के रेडी हो चुका था का, मतलब थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ गया था, लेकिन हमें जल्द से दिख गया था तो वो से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। इस बार रिकॉर्डिंग करप्ट हमने होने नहीं दिया ये रिकॉर्डिंग करप्शन का कुछ प्रॉब्लम ठीक करना पड़ेगा, देखते। और उसी के साथ ये वाला ब्रिज काफ़ी सुंदर लग रहा है, जो भी हो जितना ही प्रॉब्लम हो ब्रिज सुंदर है, और ये वाला एरिया पे एरिया के साथ काफ़ी ज़्यादा मैच भी कर रहा है, मतलब करना चाहिए, हम लोगों ने इसीलिए बनाया है मैच करे, ऐसे ही थोड़ी ना बना दिया तो जो भी हो वो मैच कर रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी सबसे मुसीबत वाला काम बाकी है जो कि है पानी भरना। और पानी भरना क्यों मुसीबत वाला काम है, क्योंकि इसमें पानी जैसे हम लोग मतलब एक बार में तो सोर्स नहीं बनेगा पूरा, क्योंकि पहले फ्लो होगा और वो फ्लोइंग पानी काफ़ी ज़्यादा लैग करवा देता है सर्वर को, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद है। लेकिन उसके बिना ये तो सुंदर दिखने नहीं वाला, तो करना ही पड़ेगा, चाहो या ना चाहो करना पड़ेगा। तो करते वो वाला काम भी काफ़ी मुसीबत वाला काम है यार। और डेकोरेशन के लिए हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें नहीं है, देखते उसका भी कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। फाइनली हमने वो वाला काम शुरू कर दिया जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद, वो है पानी से फालतू के नखरे करने, तो वो हमने शुरू कर दिया जो कि बहुत अच्छा जा नहीं रहा, मतलब कतीना ये वाला, मतलब हम लोग कैसे सेक्शन बाई सेक्शन करके उसे हम लोग भरना होगा, फिर उस सेक्शन को हम हटा देना तो वो ऑटोमेटिकली दो तरफ के पानी से भर जाएगा। ये है बेसिक सेंस, मतलब बेसिक जो थ्योरी है, और उसके बाद उसके ऊपर पूरा ये वाला पुल भरना है हम लोगों को, मतलब बहुत बोरिंग, बहुत ज़्यादा बोरिंग, और ऊपर से यहाँ पे जो लैग हो रहा है वो तो अलग है। और इसे हम लोग केल्प करने वाले, और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा केल्प नहीं है, तो हम लोग केल्प पे बोन मिल करने वाले, ताकि एक बार में देखो केल्प पे बोन मिल करेंगे तो वो बढ़ भी जाएगा और वाटर सोर्स भी बन जाएगा जो कि हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, तो हम लोग वही करने वाले हैं अभी के लिए। और जब तक जब हमारे पास एक स्टैक या डेढ़ दो स्टैक तक केल्प आ जाएगा तब हम लोग और बोन मिल, मतलब एक्चुअली बोन मिल जब ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग केल्प लगा के वाटर सोर्स बनाना चालू करेंगे। तो ये वाला काम करते हैं, और एक बार आंखें मिलते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग, मैं सही में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बोरिंग है, इसलिए मैं आखिर में मिलता हूँ, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद हमारा ये बोरिंग काम ख़त्म हुआ जो कि था पानी के भरने का काम, जो मुझे तो कुछ खास पसंद आया नहीं, बहुत ज़्यादा लैग हो रहा था इस टाइम हमारे सर्वर में, तो इसी तरह हम लोगों ने ये काम ख़त्म किया। और ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि हम लोग रिकॉर्डिंग रोकना पड़ा, क्योंकि रिकॉर्डिंग की वजह से और ज़्यादा लैग मेरे डिवाइस में हो रहा था, मतलब उसके बाद काम ही नहीं कर पा रहे थे, तो उसके वजह से मैंने रिकॉर्डिंग रोक दिया। और इसी टाइम जब तक हम लोग रात को कम कर रहे थे तो तब तक स्केलेटन्स आके हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो हम लोगों ने उनको भी अच्छी खासी पेल दी। और हमारे पता नहीं क्यों और कैसे हमारे आयरन फार्म में काफ़ी ज़्यादा स्केलेटन और जोम्बी क्रीपर्स ये सब मरते रहते हैं, पता नहीं मतलब शायद उनको क्या खुजली चढ़ती है, वो लोग अंदर कूद जाते हैं, मतलब स्केलेटन और जोम्बी का समझ सकते, लेकिन क्रीपर मुझे नहीं पता यार, क्रीपर कैसे वहाँ पर तक पहुँच जाते मुझे नहीं पता, आ जाते कहीं से
तो अच्छी बात है हमारे लिए है फ्री का छोटा बहुत छोटा मोटा मुआफा में। तो वहाँ से हमें काफ़ी सारा बोन मील मिला है जिसे हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इस टाइम। तो इसे यूज़ करके हम लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो क्या कहते हैं कोरल रीफ बना सकते हैं, बस कोरल ब्लॉक नहीं मिलता, ये बहुत दुख की बात है। फिर भी ठीक है, हम सह लेंगे थोड़ा वो तो कोरल हमें सिल्क टेस्ट से पहले नहीं मिलने वाला। फिर जो भी हो अभी ये काम ख़त्म करते हैं, और इसमें काफ़ी सारे डेकोरेशन और भी बाकी है, और इसके लिए लिली पैड्स आई थिंक सही बता रहा हूँ मैं। तो उसके लिए हमें स्वाम ढूंढना पड़ेगा जो कि ऑब्वियसली हमें नहीं पता है कहाँ पे है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहाड़ के उल्टी तरफ, जिस तरफ हम लोग कभी नहीं गए, उस तरफ एक ही डायरेक्शन पकड़ के सीधा सीधा चलते रहेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड को हम लोगों ने गया था तो उधर को एक समुंदर मिला था। तो इस बार हम लोग राइट साइड जाएंगे, शायद स्वाम्प मिले ना मिले कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना। और फिर हम लोग कुछ ना कुछ के तलाश में सीधा निकल गए अपने गाड़ियों के साथ। अमीन ने मजाक बहुत हो गया, ये गधे है। तो हम लोगों ने इनको साथ में लिया और निकल गए अपने सवारी पे कुछ नया ढूंढने के चक्कर में। एक्चुअली स्वाम्प तो हमारा टारगेट है, बीच में जो मिले वही सही, चाहे वो डेजर्ट मिले फिर भी हमारे लिए अच्छा होगा, कि हमें तो फिर ग्लास के लिए कोई टेंशन लेना नहीं पड़ेगा, या फिर हमें और कुछ भी मिल जाए, जैसे मेसा मिल गया तो हमें टेराकोटा मिलेगा। और बाकी आइस अभी किसी काम का नहीं है, क्योंकि आइस अभी क्या ही करना है, वो तो स्किल्टेस से अलावा मैं तो आइस का कुछ कर नहीं सकते, तो आइस किसी काम का है नहीं। या फिर दो चार विलेज मिल गया तो मस्त हो जाएगा, थोड़ा बहुत लूट वूट हो जाएगा। और ऐसे खाने के तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी हम लोग वहाँ से हे बिल ला के कम से कम जो फार्मर है फार्मर के साथ ट्रेड तो कर ही सकते हैं। देखते हैं जाते जाते जो मिलता है उस हिसाब से हम लोग सोच लेंगे। और डेजर्ट मिला तो डेजर्ट टेम्पल्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया होता है। तो देखते हैं क्या मिलता है हमें, कौन से बायोम्स मिलते हैं, लेट्स सी। और ऐसे ही थोड़ी बहुत दूरी जाते ही हम लोगों को एक नया विलेज मिल गया, जो कि हमारे विलेज से बहुत ज़्यादा पास ही था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, 100-200 ब्लॉक ज़्यादा दूर नहीं कहते, तो हाँ बहुत ज़्यादा पास ही था। अरे ब्लैक स्मिथ में डायमंड रह सकते हैं, अभी तक हम लोगों ने माइनिंग नहीं किया, अगर मिल गया भाई मस्त हो जाएगा, देखते क्या है उसमें। ओ माय वा मू शिंदेइरु नानी। ये बात यही तो चाहिए था मेरे को यार, मतलब ओ खत्म छोड़ो, पुल छोड़ो, ये बस मिल गया, डायमंड मिल गया, बस खत्म, आगे बढ़ते यार, माँ कसम, ओए होए होए, ओ माय गॉड, ओ शेड भाई, यार तुम लोग बस सोचो, मतलब अभी तक हम लोग माइनिंग शुरू भी नहीं किए। अरे भाई साहब यार, मतलब यार मैं तुम्हें बता नहीं रहा, इतनी खुशी, ओ माय गॉड, माइनिंग से पहले डायमंड मिल गए हम लोगों को, ओ भाई साहब। चलो आगे बढ़ते, मैं सोच रहा था घर चलते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लिली पैड्स भी लेके आते हैं, पता नहीं शायद और डायमंड मिल जाए बीच में तो और बढ़िया हो जाएगा। यार मेरा एक्सपेक्टेशंस, यार भाई ये क्या लक चल रहा है, मतलब जहरी लक हो जा रहा है। ये जस्ट पीछे विलेज है, जस्ट थोड़ा सा पीछे विलेज है, और यहाँ पे एक और रुइन पोर्टल मिल गया। देखते लूट कैसे, वो तो भगवान भरोसे है, लेकिन रुइन पोर्टल तो मिला ना, वो बड़ी बात है। एज ऑलवेज लूट तो मतलब घटिया ही से लूट ही रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी वो मिला तो सही, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है यार जाते हुए, तो यही बहुत बड़ी बात है यार। मतलब अब मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो और मेरा कंटेंट का टाइम भी थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब हाँ वो सभी होता है। तो अभी के लिए उसको हम ढूंढने चलते फिर से। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। अरे नहीं यार, फिर हट यार, मैंने सोचा ये छोटा सा बायोम होगा, मैं साइड से जा रहा था, अरे यार घुस गया मैं इसके अंदर, अब वापस भी नहीं जाना, बहुत दूर, मतलब काफ़ी दूर आ चुके इसके अंदर हम लोग। अरे हो गया हट, अब ये ज़्यादा बड़ा ना हो बस सामने तो फिर अच्छा है, क्योंकि आइज वाला बायोम मेरा किसी काम का नहीं अभी के लिए, ठीक है। मैं बोर हो चुका हूँ इस बायोम से, ये बहुत ही घटिया बायोम। हमारे घर के आसपास बहुत ऐसे स्नो और आइस है, आइस नहीं है स्नो वो है, तो हाँ जल्दी से ख़त्म हो जाए। अरे यार मेरे काली जबान की भी जय हो यार, तब से ये पहाड़ों में घूम रहा हूँ, मतलब क्या बीहड़ किसी जगह है मुझे पता नहीं है यार,
बाहर निकालो यार मुझे स्नो से, मुझे पसंद नहीं है ये वाला आइडिया अभी, तो मेरे पास इसका किसी काम, ये मतलब ये किसी काम का है ही नहीं। मैं क्या करूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये स्वाम्प वाम मतलब बायोम में नहीं आता है क्या ये, ठंडी बायोम के साइड में? लेकिन ये सूखा सूखा सा स्वाम्प क्यों है? मेरे को तो लिली पैड्स चाहिए थे, वो तो पानी में मिलते। बे यार ये सूखा वाला स्वाम्प ना हो, बे यार मेरा किस्मत ही खराब है लगता है। देखते आधे घंटे तक ढूंढ लेते हैं, पहले मिल गया तो सही है, नहीं तो इतना दुराना पूरा बेकार जाएगा यार। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी हमें वो वाला पानी वाला स्वाम्प तो बिल्कुल नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि पानी वाला स्वाम्प मिले ना मिले, ये सूखे स्वाम्प में जितने पानी में जो लिली पैड्स है वो उठा लेते, मतलब घर जाने के लिए कुछ तो मिलेगा ना। क्या बोलूँ भाई, दुख दर्द पीड़ा सब एक साथ मिल रहा है हमें। हाँ तो डायमंड मिले, ये काम का काम होगा, बाकी देखते हैं। पानी वाला स्वाम्प मिला तो बहुत ही अच्छी बात है, भगवान का अशेष कृपा होगा तो फिर, कि हमें अगर मिल गया कि पानी वाला स्वाम्प, तो हमें काफ़ी सारे लिली पैड्स मिल जाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे आना हुआ तो वो मिल जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा और हम लोग घर चले जा सकते हैं अभी के लिए। एक सेकेंड, हमें तो फिशिंग करके भी लिली पैड्स मिलते हैं ना। आई एम नूब। क्या बोलूँ यार, बोलने को मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब शब्द नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ, मतलब सही बता रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ अभी। मेरे भाई को इस टाइम तक मिल तो गया था, वो जो वाटर स्वाम्प होता है वो मिल तो गया है, लेकिन क्या करूँ मैं उसका अब, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या उसका अभी। क्या करूं मैं अभी तो यार, और चलो डायमंड के लिए थोड़ा सा खुशी है, बाकी पूरा ही फालतू गया यार, क्या क्या करूं यार। और जबकि हम लोग स्वाम्प में पहुंच ही गए थे, तो सोचा थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेते हैं, और घूमते घूमते ये वाला मशरूम दिखा। मैंने इतना लंबा मशरूम आज तक मैंने नहीं देखा भाई, बहुत ही लंबा लगा मेरे को, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेते, शायद कुछ रेयर हो, क्या पता है, किसको क्या पता है, मिल जाता है कभी कभी, तो मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया। तो इतना लंबा मैंने मशरूम कभी नहीं देखा आज तक। जो भी अब हमारे यहाँ पे काम हो चुका, तो हम लोग चलेंगे अभी सीधा घर, और हम लोग तीन चार तक लिली पैड्स हमारे साथ ले लिया, जिससे हम लोग मेनली काम करने वाले थे। हाँ चलो कोई बात नहीं, हम लोग घर चलते अभी, और घर चल के एक और थोड़ा सा काम बात बच गया है तो वो भी कर लेंगे पहले। यार कसम से ये बर्फ़ में चलना ना एक बहुत मुसीबत का काम है यार, हर बार पानी डाल के देखना, और रहे मतलब सबसे ज़्यादा डर है हम लोगों को पाउडर स्नो का, क्योंकि पाउडर स्नो नया जो ऐड हुआ है वो कहीं भी हो सकता है, और हमारे गधे जो है वो सीधा ख़त्म, तो मैं नहीं चाहता वो हो, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग पाउडर स्नो में ना दे, तो हम लोग पानी देगा। अरे विलेज, ओ भाई साहब बहुत अच्छा, एक बार चेकआउट कर लेते हैं इसमें कुछ अच्छा हो कि, और क्या ही अच्छा होगा, थोड़ा सा डायमंड वायमंड मिल जाए तो। नो 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 नो, हाँ आखिरी घर है, देखते इसमें क्या मिलता है। यार कूड़ा ही दे देते क्या यार, पूरा खाली घर कौन रखता है यार। कोई बात नहीं घर चलते, अब घर पे काफ़ी काम है हमारे। यार हम लोग शांति से ना घर नहीं जा सकते, अभी हम लोग शांति से घर जा ही रहे थे कि एक छेद से मतलब यहाँ पे ऐसे हम लोग टहल रहे थे, एक्चुअली हम लोग पोलर बियर हमारे पीछे पड़ के तो मार रहे थे, वो करते करते मेरा भाई नीचे गिर गया, और हमें ये वाला शिपरेक मिला जिसे अभी हमें लूटना है कैसे भी करके, दिख गया अब लूटना है भाई। देखो ऐसी कोई बात नहीं कि दिख गया तो छोड़ के जाएंगे, बिल्कुल नहीं, हम लोग इसे लूट के जाएंगे, और इस चक्कर में एक ट्राइडेंट वाले ने मेरे को कूट दिया, आई मीन मेरा सांस खत्म हो गया था, तो मैं ऊपर आया था, और उस ट्राइडेंट वाले ने पीछे से हमला किया कायर कहीं का, और क्योंकि इस पैको भी मेरे पीछे पीछे आ ही रहा था, तो उसको उसने उस ट्राइडेंट वाले को अच्छा खासा पेल दिया, और हमारे पहले शायद हम लोग ड्राउंड मार रहे, और उसी से हमें एक ट्राइडेंट मिल गया जो कि मतलब काफ़ी लकी है। इस सफ़र में हम लोग बेवकूफ़ी के अलावा लक तो काफ़ी अच्छा है, बस जो भी ख़राब हो हमारी बेवकूफ़ी वजह से हुआ है, मतलब क्या ही बोलूँ यार।
जो भी हो, ट्रेंड मिल गया और एक और ट्रेजर मैप मिला है, मतलब घर जाना और भी डिले हो चुका है। हाँ, और इस बार मैं हैरान भी नहीं हूँ। एंड फाइनली हम लोग अपने ट्रेजर के लोकेशन पे आ चुके थे, जो कि बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन हाँ पहुँच गए हम लोग। और देखते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सी शोर नहीं है, तो यहाँ पे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। होप सो कि ज़्यादा कुछ मुश्किल ना हो, देखते हैं, मिलने पे दिखाते हैं एक बार में। A few moments later. यार मैं एक सेकंड के लिए हार मानने वाला था, मेरे को लगा था मिलने का ही नहीं अभी है, लेकिन भाई कितना डीप है, हम लोग 64 में थे और ये 46, हाँ 64 40। अच्छा, कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छा कोइंसिडेंस है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डीप था और अक्सर ये क्या कहते हैं सैंड के नीचे होता है, तो मैंने सोचा इस बार नहीं मिलेगा, लेकिन ये स्टोन के नीचे पहली बार देखा मैंने। जो भी हो, लूट चेकआउट करते हैं, लूट तो काफ़ी अच्छा है, लूट तो मस्त है इसका हमेशा की तरह। जो भी हो, लेके निकलते यहाँ से। फाइनली हम लोग वही वाले विलेज में आ चुके हैं जहाँ से हमें डायमंड मिला था। वैसे तो हम लोगों के लिए 150-200 ब्लॉक तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत दूर से आ रहे थे, अभी 150 ब्लॉक भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हाँ घर बहुत ज़्यादा पास आ चुका है, तो अभी हम लोग पहले घर चलते हैं, और शायद एक और मोन्टाज हम लोगों का बाकी है, तो उस बारे में घर चल के बात करते हैं, अभी नहीं, घर चलते पहले। फाइनली भाई, फाइनली बहुत टाइम बाद हम लोगों को अपना विलेज दिखने लगा है, और हम लोग विलेज में घुसे। क्या ही बचे भाई साहब, गिरते गिरते बचे। चलो घर चले, घर चले। और आखिरकार हम लोग घर तक पहुंच ही गए, जो कि हम लोग अपने ट्रिप के बीच में से बोलना शुरू किए कि चलो घर चलते हैं, घर चलते हैं, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या हो गया, तो जो भी उसके बाद हम लोग आखिरकार घर तक पहुंच ही गए। अभी थोड़ा बहुत और मेटेरियल कलेक्ट करते हैं, और जो लेके आए उनको थोड़ा सा बहुत चेस्ट में रख देते हैं, और मेटेरियल कलेक्ट करने के बाद हम लोग सीधा मिलते हैं अपने जो मोन्टाज है उस पर, तो लेट्स गो। तो ये तो बताना, हम लोग भूल ही गए कि यह क्या है, जो कि है हमारे एनिमल्स के लिए घूमने का थोड़ा सा जगह, क्योंकि वो लोग अंदर बंद है तो मुझे पसंद नहीं आता, ठीक है, तो मुझे पसंद नहीं आता, तो मैंने उनके लिए एक मस्त सा जगह बना दिया है जहाँ पे वो लोग आराम से घूम सकते हैं।
और यहाँ पे मेन जो थिंकिंग काम करता है वो है एजेलिया बुशेस, जो कि हमारे लिए तो एक ब्लॉक है, उसके ऊपर से हम लोग आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके एआई उन्हें वो एक ब्लॉक से थोड़ा ज़्यादा दिखाता है, तो वो लोग उसके ऊपर से नहीं जा सकते। फिर भी कहीं से अगर वो लोग एस्केप करते हैं वही वैसे चिंता की बात है, और ये शायद हम लोग आगे थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये जगह उतना अच्छा नहीं लगा, जल्दी जल्दी हम बना जरूर दिए हैं हम लोगों ने इसको। तो हाँ, जो था यही था, अब जो होगा आगे देखा जाएगा वो। तो इसी बात पे हम लोग इस वीडियो को आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, और तुम लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम लोगों को ज़रूर से वीडियो पसंद आया तो तुम लोग वीडियो को ज़रूर से लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो इसी के नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए, और कमेंट करो कि इस मतलब जो अपना पैराडाइज है इसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं, जो तुम चाहोगे वो हम लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं, तो ज़रूर से कमेंट करो। एंड हाँ, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अगले एपिसोड में हम लोग विलेजर्स के साथ काफ़ी कुछ करने वाले, तो नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर से देखना, काफ़ी मस्त होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।